अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कनाडा में मेरा जुम्मे का दिन कैसा गुजरता है, और मगर उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ पूरा दिन रहना पड़ेगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, प्लान कुछ ऐसा है, अभी मुझे जाना है काम पे क्योंकि 8:40 हो रहे हैं और काम जल्दी जल्दी फिनिश कर देता हूँ और फिर करता हूँ आपसे मुलाकात। तो गाइस, काम हो गया ख़त्म, अब मुझे घर जाना है और जुम्मे की तैयारी करनी है। माय मैनेजर वाज काइंड इनफ कि वो मुझे हर फ्राइडे थोड़ा सा जल्दी ऑफ दे देता है ताकि मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ सकूं। और अब मुझे घर जाना है और घर जाके जल्दी जल्दी तैयारी करनी है और मस्जिद पहुंचना है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले करवा ली थी और अपने टाइम के हिसाब से मुझे मस्जिद पहुँचना होगा और अपनी रजिस्ट्रेशन दिखा के नमाज पढ़नी होगी। तो चलिए। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने लिया शावर और शावर लेके बहुत ही रिलैक्स फील किया। उसके बाद मैंने खाया खाना, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। नॉर्मली तो लंच मैं अपने साथ लेके जाता हूँ, मगर फ्राइडे को मुझे मालूम होता है कि मैं घर जल्दी जाऊँगा तो मैं लंच घर ही आके करता हूँ। तो लंच भी हो गया, अब हमें जाना है मस्जिद। मस्जिद जाने में अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लूँ। बातों से याद आया कि आप लोगों को मैं बता दूँ, वैसे तो आप सबको ही पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें बंद हैं और जो खुली हैं वहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी SOPs फॉलो करने होते हैं। तो हमारी मस्जिद में जो रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट है मास्क आपको लगा के ज़रूरी आना है, वो तो सब जगह ही है, और दूसरा है सॉक्स पहन के आना है, और प्रेयर मैट्स अपनी जानमाज आपको ख़ुद अपनी लेके जानी है। और जब आप वहाँ इंटर करते हैं तो वो बारकोड स्कैन करते हैं आपका, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन मैंने 2 दिन पहले कराई थी, तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आपको एक ईमेल सेंड करते हैं, उसके अंदर एक बार कोड होता है। तो जब आप मस्जिद एंटर कर रहे होते हैं तो गेट के ऊपर वो बार कोड स्कैन किया जाता है, और वो बार कोड स्कैन करके फिर आपको अंदर जाने देते हैं मस्जिद में। तो ये तो रिक्वायरमेंट थी मेरी मस्जिद की। तो आप लोगों की मस्जिद की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या SOPs हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलें, हम फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। Thank you.
देखो वीकडेज में गाड़ी धुलवाओ नहीं धुलवाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वीकेंड में गाड़ी धुलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वैग का सवाल है और हम जाएंगे और कार वॉश करवाएंगे। तो चलो कि गाइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग मुझे रोकनी पड़ेगी, क्योंकि कार वॉश का जो बार कोड है वो मेरे मोबाइल में है और वो मुझे यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा। बार कोड हो गया स्कैन, थैंक यू। तो गाइस आज का दिन ऑलमोस्ट हो गया है फिनिश और बाकी रह गया है डिनर, और उसके बाद देखेंगे हम मूवी। डिनर में है रोज़ बुखारी, जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे, क्योंकि वहाँ सऊदी अरब में रोज़ बुखारी बहुत फेमस है। बेसिकली रोज़ बुखारी होती है रोस्टेड चिकन विद राइस। किचन में अभी वो रेडी हो रही है, मैं अभी आप लोगों को किचन में लेके जाऊँगा और वो बनती भी दिखाऊँगा एक्चुअली, और फिर हम लोग इसी टेबल पर बैठ के खाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ ख़त्म होता है हमारा दिन। खाना मैं खा चुका हूँ जो कि बहुत ही लजीज था, आप लोगों ने भी देखा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नाउ इट्स टाइम फॉर मूवी विद माई कोल्ड ड्रिंक। अल्लाह हाफिज़।